भंवर सिंह जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले तो शुक्रिया सर चैनल पर आने के लिए, क्योंकि जनता आज आपको सुनना चाहती है, खासकर 20 लाख छात्र आपको सुनना चाहते हैं। सवाल बहुत सीधा है, बच्चों के जहन में कंफ्यूजन, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, आप इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं बतौर उच्च शिक्षा मंत्री? देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार की कोरोना की परिस्थितियां चल रही है वर्तमान समय में, इसको मद्देनजर रखते हुए तथा राजस्थान के हमारे यूनिवर्सिटीज के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी ये मांग थी कि इन परिस्थितियों में परीक्षाएं नहीं करवाई जाए, विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाए। और उसके साथ साथ कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी थी जो हमने महसूस किया कि राजस्थान में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो राजस्थान से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, जिनको परीक्षाएं देने राजस्थान आना पड़ेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से अभी चालू नहीं हुआ है, और जयपुर में आने वाले लोगों को, विद्यार्थियों को वहाँ रहने की पूरी व्यवस्था की दिक्कतें कोरोना की वजह से आ रही है। हॉस्टल्स हमारे पूरे खुल नहीं पा रहे हैं, और हमारे प्रदेश में भी कोरोना का जो ग्राफ है वो पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, और उसमें 3 दिन पहले ही हमने ये निर्णय लिया कि राजस्थान में हमारे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और व्यवहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं जो है आयोजित नहीं की जाएगी, और विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के क्रमोन्नत, अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तमाम बिंदुओं पर गहनता से अध्ययन करने के बाद, पूरा फीडबैक के बाद ये निर्णय लिया। चूंकि अब UGC के द्वारा कल रात्रि को गाइडलाइन जारी की गई है, और उसमें जो फाइनल ईयर की हमारी परीक्षाएं हैं देश भर की, उनको आयोजित करने के लिए सितंबर माह में कहा गया है। UGC के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका हम सब लोग सम्मान करते हैं, पर उसमें UGC के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का जो प्रभाव है वो कम है जी, और देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ कोरोना का प्रभाव बहुत ज्यादा है या बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। राजस्थान तो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति तो ये कहती है कि 80% से ज्यादा रिकवरी रेट है। राजस्थान के अंदर कोरोना सबसे ज्यादा कंट्रोल किया गया, डेथ परसेंटेज अन्य राज्यों के मुकाबले मिनिमम है, 10वीं के एग्जाम अभी कराए गए हैं। तो फिर उन स्थितियों को देखते हैं तो राजस्थान बेहतर नजर आता है अन्य राज्यों के मुकाबले, ये तो आंकड़े हैं सर। देखिए निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक रोल मॉडल के रूप में राजस्थान को स्थापित करने का प्रयास किया है। यहाँ कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी गई है, जिसको अप्रिशिएट केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद CM की मीटिंग में VC में कहा।